टिक्कर राजपूता गांव की बुजुर्ग महिला लाठी के सहारे उपायुक्त कार्यालय में पति की मारपीट से तंग होकर न्याय की गुहार लगाने पहुंची। महिला ने बताया कि उसका 25 वर्षीय बेटा पहले मौत का शिकार हो गया है। बेटियां ससुराल में रहती हैं, शराब के नशे में धुत पति उससे छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा व मारपीट पर उतारू हो जाता है। दो वक्त की रोटी के लिए उसे किसी का सहारा नहीं है। पति विद्युत विभाग महरे में चालक के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। गांव के लोग भी उसके पति के व्यवहार से दुखी हैं। 10 साल तो ना जोर ही करी थी घर आई मुन्नो मेरा मतलब सीते मारी है बस हिसाब ना मुन्नी ये मेरी साथी मेरी सपने घर है जंगले छाड़ा घर है तथी ने रात ये पे जंदा मारने का ये द्वारा समझौता कराए जंदे ना पहले कने नहीं मानता तो उसको अंदर कर देंगे गौ जंदा नहीं होगा तो फिर अंदर कर देंगे कने पेंशन भी पेटी है लोग लगी सकते पिछे तो वही त्वार है मेरे वही बुरे हो किसते पिछे भी बार हो तीन बड़े हो यही अब फिर होंगी रे त्वार तो करता रहता रहती है रोज ही ये बोलने भी नहीं आपको कोई ना भरना लेना तो नहीं ये भरना ले लिया तो नहीं कहता भरना लिया तो अपना भरना भी लेना तो नहीं भी लेना देवी से बना रहा होता ना कुआरे आ रहा दिन में वो हर साथ किसी खाने लगी ना तो भरना लिया अपन तो हमारी बोला क्यों अंदा था बस खाना हमेरे मैं नहीं खाना भरना रहता सब नहीं पता कि उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि वो महिला की शिकायत के आधार पर उसके पति को भी कार्यालय तलब करेंगी। जिला प्रशासन महिला की सहायता को लेकर कठोर कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करेगा। पेंशन की आधी राशि देने की कृष्णा देवी का कानूनी हक को लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।